स्टैंड अप क्लास फोर बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। इसमें आज हम आप लोग का इसमें पार्ट पाँच जो है स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है आपका चैप्टर का जो नाम है वो है मन का दर्पण, यानी मन का आईना। दर्पण का मतलब क्या होता है? आईना। ठीक है, ये क्या है? कहानी है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक किसान के पास दो गाय थी। एक किसान था जिसके पास क्या था? दो गाय था। ठीक है, एक इतनी काली जितना कोयला, और एक क्या था? एक गाय पूरा ही काला था जैसे कोयला के से उसको कंपेयर किया गया। ठीक है, दूसरी इतनी सफ़ेद जितना संगमरमर, और दूसरा मतलब इतना ज़्यादा सफ़ेद था और उसको किस चीज़ से कंपेयर किया गया? संगमरमर यानी पत्थर का जो संगमरमर रहता है ना, मार्बल, उससे। ठीक है, परंतु सफ़ेद गाय को यह पता नहीं था कि वह सफ़ेद है। कि सफ़ेद गाय को मालूम नहीं था कि वह सफ़ेद है, और काली गाय को यह पता नहीं था कि वह काली है, और काली गाय को भी यह मालूम नहीं था कि वो काली है। ठीक है, एक दिन श्याम काल जब दोनों एक झील पर पानी पीने गई, तो झील के निश्चल पानी में दोनों ने अपनी अपनी परछाई देखी। और एक दिन शाम को क्या हुआ, वो लोग जब नदी के किनारे, झील जो था, झील है नदी नहीं, तो उसे पानी पीने गए, तो उन्होंने पानी में क्या हुआ, अपने जो परछाई होती है, परछाई जो बनता है ना, चित्र बनता है पानी में आपकी, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को देखा। काली गाय दोनों के बीच अंतर को ना समझ सकी, जबकि सफ़ेद गाय ने दोनों में रंगों के अंतर को समझ लिया। और काली गाय जो क्या हुआ, वो इसके बीच के फर्क को नहीं समझ पाई, और सफ़ेद गाय जो थी उसके बीच के जो अंतर था वो समझ गई। उसी दिन से उसके हृदय में काली गाय के प्रति घृणा पैदा हो गई, और उसी दिन से क्या हुआ, वो जो सफ़ेद गाय थी उसको मन में जो है काली गाय के प्रति घृणा हो गया। अब वह उससे अलग अलग रहने लगी, और क्या हुआ, वो काली गाय से अलग अलग रहने लगी। वह चारागाह में भी उसके साथ नहीं जाती थी। क्या हुआ, चारागाह में भी उसके साथ नहीं जाती थी। एक ही तबेले में उससे एक साथ बांधा जाना भी अच्छा नहीं लगता था, और एक ही जगह में जब दोनों को बांधा जाता था, रखा जाता था, तो भी उस सफ़ेद गाय को वो अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि एक ही बाल्टी में से वह पानी भी नहीं पीना चाहती थी, और एक ही बाल्टी में जब पानी पीती थी तो उसे वो भी पसंद नहीं था। अब तो वह उसकी आवाज़ का उत्तर भी नहीं देती थी, और काली गाय अगर उससे कुछ कहती थी तो वह उसका उत्तर भी नहीं देती थी। वह अब अपने समान किसी को भी नहीं समझती थी, और जब से उसने अपने पानी में, जब से अपने चित को देखा उन्होंने, तब से वो है अपने आप में बहुत ज़्यादा ही गर्व महसूस करती थी, और वो किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। ठीक है, किसान के यहाँ अन्य जानवरों को भी पता चल गया था कि सफ़ेद गाय अब उनके प्रति इतनी दयालु नहीं रह गई थी। और क्या हुआ, किसान के यहाँ जो अन्य बहुत से जानवर थे, तो उसको भी पता चल गया था कि सफ़ेद गाय जो है अब उसके अंदर जो है उतना दयालु नहीं है। किसान के होरी नामक घोड़ी और स्वीटी नामक कुत्ते का तबेले में आना उसे पसंद नहीं था। और उस क्या हुआ, किसान के होरी नामक घोड़ी और स्वीटी नामक कुत्ते का भी तबेले में आना उसे पसंद नहीं था। ठीक है, क्या चितकबरे, बैल, भूरी बकरी और काली बिल्ली का भी अधिक स्वागत नहीं होता था, और इन सब का भी क्या होता था, अब उस तबेले में उतना स्वागत नहीं किया जाता था। सभी इस परिवर्तन से हैरान थे, और सभी क्या हुआ, इस परिवर्तन से थोड़ा हैरान हो गए थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और उन्हें यह बुरा लग रहा था। वह गाय अभिमान के कारण अपने अकेलेपन में ही विशेष प्रसन्नता महसूस करती थी, और उसे क्या हुआ था, खुद में बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो गया था, और उसने क्या किया, किसी से भी बातचीत करना बंद कर दिया, और वह अब अकेले ही रहने लगी, और वह उसी में खुश रहने लगी। वे कोमल नजरें जिनके लिए उसकी जाति प्रसिद्ध है, अब कठोर हो गई थी। स्वीटी के सो जाने पर वह खेत में रहने वाले सफ़ेद खरगोश से देर रात तक बातें करती। और क्या हुआ, जब स्वीटी जब सो जाती थी तो क्या करते थे, उस सफ़ेद खरगोश से वह देर रात तक बात करती थी। काली गाय को उसके व्यवहार से शंका होने लगी थी, और जो काली गाय थी उसके इस बर्ताव से जो है उसको थोड़ा सा डाउट होने लगा था। एक दिन दोनों के बीच भयानक झगड़ा प्रारंभ हो गया, और एक दिन क्या हुआ, उन सफ़ेद गाय और काली गाय के बीच झगड़ा हो गया, जिसने एक खुले युद्ध का रूप ले लिया, और जिसने क्या हुआ, एक युद्ध का रूप ले लिया। देखिए यहाँ पे है ना, तेज सिंगों के आक्रमण से दोनों के शरीर से खून टपकने लगे, और दोनों के बीच क्या हुआ, सिंह से लड़ाई करने के कारण
दोनों के शरीर से खून टपकने लगे, खून निकलने लगे। यदि समय पर किसान उनकी लड़ाई समाप्त करवाने के लिए नहीं पहुंचता तो भयानक परिणाम हो सकता था। और क्या हुआ, उस टाइम ही वहाँ किसान आ गया, और अगर वो सही टाइम में नहीं वहाँ पे पहुंचता तो क्या हुआ था, यह युद्ध एक बहुत ही विशाल परिणाम दे सकता था। ठीक है, तो आज स्टूडेंट हम यहीं तक रखते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पैराग्राफ कम्प्लीट करेंगे स्टूडेंट। तो आप इसे घर में खुद से एक बार रीड कीजिएगा चैप्टर को पूरा। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।